हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मेरे नए ब्लॉग्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग सब अभी क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे। मैं भी अपने घर में बहुत सारे काम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे हमारे तरह बातें शेयर करती हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं आपके लिए, आप लोग सबके लिए इतने काम कर कर टाइम निकालती हूँ आप लोग से बातें कुछ शेयर करने के लिए। तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर है, तो आप लोग जितने सब्सक्राइबर है वो मेरे अपने घर के तरह फैमिली जैसे हो। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आगे बढ़ूँगी। तो फाइनली आज का मौसम अच्छा है, तो मैं आप लोग को मौसम के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे गांव में बारिश नहीं हो रहा था कितनी दिन से, तो आज थोड़ी बारिश हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। फाइनली आज बहुत दिन के बाद मेरे यहाँ पर गांव में बारिश हुआ है। बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ था, तो ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी ठंड लग रहा है, गर्मी का कुछ असर हुआ है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ टहलने के लिए। देखो यहाँ पर जितने भी हरियाली घास है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बारिश हुआ है, तो थोड़ा गर्मी का मौसम चेंज हुआ, अभी थोड़ा सा ठंड लग रहा है। तो इसी कारण मैं आप लोग से बातें शेयर कर रही हूँ। और गैस मैं मेला गया था, दाहा मेला, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, ठेलम ठेला हो रहा था, धक्का धुक्की, बहुत सारे और लोग भी आए थे। आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो, तो आप लोग ढेर सारे प्यार देना। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो मेरा वॉच टाइम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे विश्वास है। मैं यहाँ तक आ गई तो आप लोग मुझे छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो प्लीज़ मैं अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो ज़्यादा तक कुछ कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो गांव से तो देखती हूँ मैं, बहुत लोग है आगा बढ़ पाए हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। तो मुझे ये वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बातचीत, तो मुझे खुशी मिलती है, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ बातें शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे घर वाले तो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं दिन भर वीडियो बनाते हैं ऐसा वैसा, तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, ये तो बोलते ही रहेंगे तो उसके बाद मैं कुछ असर करूँगी तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाने, ब्लॉग्स वाले वीडियो ऐसा वैसा कुछ तो मैं नहीं बनाती हूँ, अच्छी वीडियो बनाती हूँ, तो क्या ये गलत बात है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो फाइनली मेरा 3,000 सब्सक्राइबर हो गया और मेरे वीडियो पर ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे। आप लोग तो सब्सक्राइब कर देते हो लेकिन देखते नहीं, और नोटिफिकेशन जो होता है वो नहीं दबाते हैं, तो शायद आप लोग मेरे वीडियो नहीं देख पाते हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग नोटिफिकेशन दबाइए, और जो नए हैं तो रेड वाले बटन दबाइए कि काला वाला सब्सक्राइब होता है वो दबाइए, तो मेरा नए नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे थोड़ा, तो मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देता हूँ, शॉर्ट ज़्यादा तक नहीं बनाती हूँ। मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे और शॉर्ट वीडियो, ये डांस वाले घर जो होता है, आइसक्रीम खिलाने पिलाने, मतलब बहुत सारे वीडियो है, तो मैं आप लोग के साथ ये वीडियो सब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई बहन, माता बहन,
जो भी हो तो मेरा वॉच टाइम पुरा देना। हे भगवान, मैं आप लोग से, भगवान से भी मैं प्रे करती हूँ, मेरा वॉच टाइम जल्दी से पुरा दो। मेरे घर में ताना मारे, कब तक वीडियो बनाएगा, कुछ करती नहीं है, ऐसा वैसा बोलते हैं, ये होगा वो होगा। तो इसी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी बातें। प्लीज़ भाई बहन सपोर्ट कीजिए, जो भी हो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा वॉच टाइम करा दीजिए। तो अभी अभी बारिश हो रहा है, मेरे पहाड़ी में हूँ मैं, और देखूँ बारिश तो थोड़ा हुआ है लेकिन तभी गर्मी है, पसीना आ रहा है, हवा भी नहीं चल रहा है अभी, तो पसीना गीला हो गया, देखूँ मेरा चेहरा भी। और देखूँ मैंने बाल किस टाइप का बनाया है, मैं खुद ही बनाई हूँ इस तरह के बाल, थोड़ा टाइम लगा, बहुत दिन से मैं एक ही डिज़ाइन का बनाते थे तो इसी वजह से मैं चेंज किया, अपने बाल को दूसरे स्टाइल से सेट किया और बनाया। तो आप लोगों को कैसा लगा पूरा फाइनली दिखाती हूँ। देखो ये जुट्टी बनाया है, इसको यहाँ से, मेरा बाल ज़्यादा लंबा नहीं है और जो भी था वो झड़ गए हैं, मेरा तबीयत खराब हुआ तो इसी वजह से, क्योंकि मैं पल्लू ले लेता हूँ सर पर, यहाँ पर लोग है बारी में तो तक रही है, तो इसी वजह से मुझे एक माथा पे लेना पड़ता है सर पर, क्योंकि गांव का लोग बहुत अनाप शनाप बातें बोलने लगते हैं तो, और तो इसी वजह से ले लेती हूँ मैं। तो आप लोग कैसे हो, तो आप लोग अच्छे हो, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी दिन भर काम काज सारा निकाल कर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मेरा भी टाइम बर्बाद होता है और एमडी बर्बाद होता है बहुत, ये वीडियो बनाने में मतलब चुटकी भर का खेल नहीं है, टाइम लगता है बहुत सारे दिन भी लगता है, बहुत मतलब मेहनत लगता है, जैसा भी बनाओ टाइम तो लगता है, मेहनत लगता है, तो इसी वजह से आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और देखो अभी आप लोग को गोल गोल दिखाती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली, यहाँ पर गर्मी लग रहा है तो घर जा रही हूँ आंगन में, तो वहीं पर आप लोग, दोस्तों मैं अपने आंगन में आ गई हूँ, अभी कोई नहीं है घर पे तो मैं आप लोग के साथ बातें शेयर कर रही हूँ। और ये देखो अभी शाम होने वाला है तो इसी वजह से ऐसा देखा देख रहा है, मतलब धुंधला देख रहे होंगे आप लोग सब, और बादल भी छाया है तो इसी वजह से अच्छा नहीं देख पाती हूँ। और क्या बताओ, गर्मी तो बहुत है, बारिश थोड़ा हुआ था तो आंगन भी मतलब भीगा नहीं, थोड़ा शांत हुआ है, गर्मी था ज़्यादा भीग गया था तो वो भी नहीं लग रहा है, मतलब इतना मतलब पानी पड़ा ये बारिश का मौसम में, अब लग रहा है लक्षण फिर बारिश आएगा, अभी तो नहीं आ रहे हैं तो कुछ रात में आएगा तो अच्छा होंगे, अभी लाइट भी नहीं है, देखो घर में नहीं जल रहा है, शाम हो गया, दिया बाती कर दिए हैं तो लाइट आएंगे, लाइट आता है चले जाता है, तो सारा काम हो गया घर का, देखो बर्तन भरा, झाड़ू पोछा सब लग गया है आंगन में, और मैं तैयार भी हो गई, और देखो मैं बाल भी बांध लिया छोटी, और फ्रेंड्स तो मैं बैठ कर यहाँ पर आप सबसे बातें करती हूँ, थक गई हूँ दिन भर, और क्या बताओ, कल मेला गया था दहा मेला, वहाँ पर मुस्लिम का ये मतलब पर्व होता है, दहा बनाकर पूजा मतलब मिलाते हैं ये सब करते हैं, मैं एक बार गया था पहले साल, और इस बार भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग था वहाँ पर, भीड़ था, मतलब सामान जो वहाँ पर था बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने आयुष के लिए एक मोबाइल लिया और
अच्छा सुना लिया और कुछ नहीं लिया, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था। आदमी तो बहुत ज़्यादा गया था गांव का, इधर उधर मतलब सारे गांव से छूट गए थे, तो इसी वजह से सामान बेचने वाला कम आए थे। और वहाँ पर दो चार झूले भी था, चार पांच थे, बड़ा बड़ा नाव वाला और हेलीकॉप्टर वाला ये सब था। मैं तो दूर से ही देखा, पास में नहीं गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था धकलम धुकलम में। मेरा तबीयत तो अभी ख़राब है ना, मैं इसी वजह से नहीं गए। और बहुत शाम भी हो गए थे, देखा ही नहीं देता था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहे थे, तबीयत ख़राब होने वाले थे, इसी वजह से तो चले आए। और कोई झूले पर नहीं झूलता तो नहीं गए इस वजह से, तो दूर से देख लिया। और वहाँ पर दाहा तो मिल गए और जंगली कुत्ता है, लोग सब एक आपस में लड़ता है और लाठी से कुल्हाड़ी से और क्या क्या से दबिया से ये सब हो रहा था वहाँ पर। तो हमें अच्छा लगा देखने में, बहुत मस्त लगा, बहुत लोग भी था वहाँ पर देख रहे थे, तो वही सब देखा। और घर में आया और मेरे साथ कौन कौन गए आप लोग तो देख लिए, तो वहाँ सबसे मिलजुल कर आए। और फिर खाने का सामान आयुष के पापा लिया, जलेबी लिया 2.5 किलो जलेबी लिया, और मैं अपने लिए बादाम का मतलब भूजा लिया, अच्छा नहीं था काफ़ी भी, अच्छे वाले नहीं था तो भी ले लिया 10 रुपया उसके लिए बर्गर लिया। तो वहाँ से फिर निकल गए घर के लिए, आइस बहुत हैरान कर रहे थे घर जाने के लिए, उसको भूख लग गया था और वो आइसक्रीम खाया था, 2 चम्मच वाले आइसक्रीम था वो खाया, 2 पीस और 1 ब्रश खाया गुल्फी वाले, अच्छा नहीं था, खट्टा लग रहा था, तो मैं भी 1 चबा लिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो आइसक्रीम फेंक दिया। तो वहीं खाकर आयुष आया, तो घर में आया तो क्या खाया, बरगद लिया था वो खाया थोड़ा, वो भी अच्छा नहीं था, कुछ दिया था उसमें और नहीं दिया था, तो कच कच कर रहा था, बालू ज़्यादा पड़ गया था मेले में तो फेंक दिया मैंने। और भूजा भी अच्छा नहीं था तो वो भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि उसमें बासी होता है ना, मतलब वो वाला मिला दिया प्याज प्याज पहले दिन का था तो अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से तो वो भी फेंक दिया। तो मतलब 1 साल में 1 बार होता है तो इसी वजह से देखना ज़रूरी था, तो हम सब गए थे देखने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे, अच्छा लगे और मेरे बात आप लोग समझ में आए तो प्लीज़ 1 लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है, दिन पर दिन एक ना एक कुछ होते रहते हैं। और देखो मेरा आँख फूल गया है, और यहाँ पर बोलते हैं मतलब ये हवा चला है आँख फूलने का, पहले लोग का आँख उठते थे उसी तरह आँख भी फूलते हैं, तो वही हो गया। और पहले मेरा हस्बैंड को आँख उठी तो फिर मेरा बेटा को ऐसे हो गया, अभी भी है, हमें भी देखो दोनों आँख इस तरह से फूल गया है, हम चेहरा भी देखो, और थोड़ा सर्दी भी लग गया है तो इसी वजह से चेहरा इस टाइप का लग रहा है। तो देखो मैं अभी मुंह धोने के लिए कॉल पर आया था, पानी है देखो, पानी है, और ये देखो मेरा सामान, तो अब मैं मुंह धोऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, मेरा आँख देखो फूल गया है, और देखो इसमें ये भी निकल गया है, क्या है ये बड़ा है कि क्या है, तो इस तरह से दोस्तों देखो ये है मेरा सामान, ये है जिबिया करने वाले और ये फिर पेस्ट है, देख रही हो पेस्ट है, और ये क्या भी चीज मतलब दांत में लगता है तो वो दवा है, और ये मेरा फेस वॉश है, और ये ब्रश है, और ये देखिए दतवन है, इसे मैं मांजूंगी पहले, तो इसके बाद ब्रश से करूँगी,
छिड़काव है बस लेकर, तब ये वाला लगाऊंगी। तो पानी लेने गया है मेरा हस्बैंड, पानी मतलब अच्छा नहीं था, और मेरा कल जो था वो खराब हो गया, वाशर मतलब खराब हो गया, तो वाशर लगाना पड़ेगा, तो इसी वजह से दूसरी कल से पानी लेने गया। तब तो मैं मतलब ऐसे ऐसे करके दांत माँजूंगी, तो देख मेरे चेहरा देखने लायक नहीं है, लग रहा है लटक रहा है, आँख आँख में कुछ चुभ रहा है, मतलब इस टाइप का लग रहा है। क्या करूँ, दिन पर दिन एक ना एक चीज़ आते रहते हैं। चुभ रहा है, लग रहा है दोनों आँख में। तो फ्रेंड्स, आप लोग का भी ऐसा आँख खुल गया है, मतलब ये बोलता है कि ये हवा चला है बिहार में और जगह, तो इस तरह से मेरे आँख खुल गए हैं। इसको मतलब लक्षण होता है, एक को दो देखो तो दूसरे को भी हो जाएंगे। तो पहले मेरा हस्बैंड को हुआ था, फिर हमें मैंने दवाई वगैरह ये सब दे रहे थे उनको, मुझे भी हो गया और आइस को भी हो गया, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, 3 4 दिन में ठीक हो जाता है। हमें तो ज़्यादा नहीं है, ऊपर मात्र ये फूला है, मेरा हस्बैंड को तो नीचे फूल गया था ऊपर, उसको बेसी दर्द हो रहा था, हमें थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पानी चले आया। देखो पानी लेकर आए, देखो पानी और फ्रेश हो जाती है। इससे ज़्यादा तुम का ताज़ा अच्छा लगता है सुकून। मैंने कोयला लेकर आया, कोयला से मारती हूँ, साफ था इसलिए कोयले से भी मार लेती हूँ। हो गया, अब मैं ब्रश से करूंगी, फिर ब्रश से करूंगी। ये लेकर करूँगी क्या बोलती है, जिसको लगा कर 5 4 5 मिनट छोड़ देते हैं, तो हम इसको माँज ही लेते हैं, टाइम लगेगा 4 5 मिनट छोड़ने।
देखो फ्रेंड्स, आयुष क्या खा रहे, क्या खा रहे आयुष? देखो आयुष को आँख खुल गई, इधर तक हो ना। देखो आँख खुल गई आयुष को भी, और देखो टमाटर चटनी खा रहे, और ये देखो ये इसमें फंसता है, ये खाने वाले है इसमें लगा लगा कर। और ये देखो अभी दाल भात आलू का चोखा और अचार देखो खा रहे हैं। मास्टर साहब स्कूल जाएंगे अभी सुबह में 7:30 बजे तक, खाना खा कर जाते हैं या इसको मैं खिला देती हूँ। इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, करा दीजिए थोड़ा, हो गया हो गया, खाओ तो मैं ऐसे करके खिला देती हूँ। लीजिए दो इसमें, हेलो खिला रही हूँ। मैंने गोल गोल आलू को छिलकर इसको भूखा बनाएंगे, तो मैंने ये काम फाइनल कर दिया है, छिलका इसमें से छील दिया है, और इसको मैं दो खप्पा करके वो भी कर दिया और इसमें गुड़ भी कर दिया है, तो मेरा काम फाइनल हो गया। और हम लोग सब जाएंगे मेला घूमने के लिए, तब मिलते हैं मेले में। Gracias.
आयुष रो रहा था मोबाइल लेने के लिए। वाटर प्रूफ मोबाइल होता है, पानी में डालकर खेलने वाला, वो वाला नहीं मिला। आयुष का पापा और हम गए कुछ दुकान पर, जिसमें मनिहारे दुकान रहते हैं और बच्चा का खिलौने वाले, तो वहाँ पर देखो कितने रंग बिरंगे प्यारे प्यारे खिलौने हैं। और ये मोबाइल आयुष के लिए मैंने एक लिया है, ये वाला देखो ऑरेंज कलर का, उसमें टिकट साटा है, वो वाला मैंने लिया। वाटर प्रूफ नहीं मिला तो यही ले लिया आयुष के लिए। आयुष पापा का खराब था, देखो कैसे। और आयुष को ये मोबाइल पसंद नहीं आया तो वो बोल रहे थे वाटर प्रूफ लेकर आ, वो तो नहीं मिला, तो फिर मैं उसी दुकान पर गए तो वहाँ पर भी नहीं मिला। देखो आयुष रो रहा है ना, तो मैंने एक लिया उसको भूला फिसला कर, मतलब Thank you.
मेले से आया आया मैं, और देखो बिस्कुट और चॉकलेट है। तो ये मैंने लिया था मेले में, तो मैं घर लेकर आया है उनके लिए, आयुष के लिए। तो देखो बर्थडे पार्टी मनाएंगे और आप लोग सब को खिलाएंगे। फिर तो मैंने क्या लिया, जलेबी लिया मेले पर। तो मैंने इसको ऐसे सजा कर आयुष को पापा को देने जा रही हूँ। तो वो बोले मुझे खानी है जलेबी, मेले में नहीं खाए, तो मैं उसको अब दे रही हूँ। उसको देखो आँख में क्या हो गया, आँख खुल गया है ना, तो जलेबी ऐसे खा रहे हैं। और देखो कैसे मुस्कुरा रहा, लग रहा है सुदामा बन गया है। तो खा लिया जलेबी। तो मैंने मेले में कुछ नहीं लिया, जलेबी लिया 3 किलो, और 3 किलो लिया है। और आयुष के लिए बर्गर लिया, वो भी अच्छा नहीं है, वो आयुष तो खा लिया है, तो जलेबी बचा है। तो आप लोग भी मेरी जलेबी खाने में मेले में लेकर आए थे। आप लोग सब मेले में क्या क्या किया, मस्ती किए होंगे, मैं भी गई घूम फिर कर आई। और बहुत झूले भी था, तो वहाँ पर मैं नई झूली देख कर आ गई। तो ओके, ऐसे ही नए ब्लॉग्स में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखूँगी। तो आप लोग मेरे तरफ से ये मीठा जलेबी, मेरे 3000 सब्सक्राइब हो गए, मैं आप लोग को ये जलेबी दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर खा लेना। मिलते हैं ऐसी मजे को। नीचे में क्या लगाया है, लंगेस लगाया हूँ मैं, देखो ये लंगेस लगाया हूँ। आज मेरे घर में मतलब इतना सामान चेंज हुआ है, अच्छा हुआ है, तो ये सब मैंने किया है सारा काम। ये ऐना है, और ये मेरे सारे कपड़े हैं, ये आलना है मेरा, और तो यहाँ पर मेरा कपड़ा सारे रहता है, और गंदा हो जाता है तो इसे मैं ढक देती हूँ इस सब से। तो अभी नहीं ढका हूँ, अभी मतलब उघाड़ दिया है। और ऊपर में देखो मैंने क्या सेट किया है, देखो यहाँ पर ये आज मैंने सेट किया है पटाहा, और इस पर मैं गुलदस्ता नहाया हूँ। बाल धोकर देखो मेरा बाल झड़ गया है, इतना ही बचा है। तो आज सुबह में मैं नहा कर फ्रेश हुआ हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी 2 दिन से नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से फिर गर्मी हो गया। अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे गर्मी लग रहा है, हवा भी चल नहीं रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब चलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। तभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और सोचती हूँ कुछ कुछ बातें, और क्या बताऊँ। और मैं जाऊँगी अपनी नानी के गांव कुछ दिन के बाद, नेपाल जाऊंगी, नेपाल में मेरे नानी का गांव है, तो वहीं पर मैं जाऊंगी, कुछ काम है। तो फिर 2-4 दिन रहेंगे वहां से, फिर यहां पर चले आएंगे। तो मैं नेपाल जाऊंगी, तो आप लोग के मैं अपनी नानी के घर और मैं अपनी नानी को दिखाऊंगी, बहुत सारे बातें शेयर करूंगी, वहां पर क्या क्या है नेपाल में। मैं तो मतलब कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मतलब तो घर में ज़्यादा तक रहेंगे, बाहर तो ज़्यादा नहीं घूम फिर करेंगे। मेरा तबीयत तो आप लोग जानते हो, मैं तो ऑपरेशन हुआ है मेरा, इसी वजह से मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाऊँगी। तो और मेरा नाना का तबीयत ख़राब है, उसको भी मैं देख लूँगी, और फिर आएंगे यहाँ पर। क्या बताओ फ्रेंड्स, मेरे घर में बहुत कुछ लोग बातें बोलते हैं और बातचीत मेरे बारे में ऐसा है वैसा है, तब मैं तो इतनी दिन से परेशान हूँ, दुखी तो दुख हो गया, तो क्या करूँ, मुझे भी टेंशन होता है। तो मैं चाहती हूँ मैं घर के लिए शांति सुख शांति बनाऊँ, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है पैसा,
पैसा रहेंगे तो आप लोग को सब पहचानेंगे, लेकिन पैसा नहीं रहेंगे तो नहीं पहचानेंगे। इस तरह मेरे घर में भी हो गया है। मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मेरे बारे में, मेरे घर का और मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी दर्द याद मतलब बहुत बातें बोलते हैं, ऐसा वैसा ये हो गया ये हो गया। तो क्या इस तरह से किसी को नहीं होता है दुख तकलीफ नहीं होता है? दुख जीवन में तो दुख सुख लोग का भाई बहन है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जो मेरे बारे में बोलते हैं उसको भी हो सकता है, वो तो ये नहीं समझते हैं मैं इसके बारे में बोलती हूँ तो मुझे भी हो सकता है। वो सोचती है मैं जब तक रहेंगी धरती पर तब तक मैं ऐसे ही जमान ऐसे ही रहेंगी, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। ये नहीं समझती है कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो मैं भगवान से यही उम्मीद करती हूँ, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं कुछ भी, मैं अपने दिल पर नहीं लेती हूँ। थोड़ा बहुत लग जाते हैं लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जो मेरे बारे में ऐसा बोलता है एक दिन भगवान उसको भी मतलब ऐसा दिन आएगा तभी उसको पता चलेगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरे जैसा किसी को दुख हो, मतलब तब भी मतलब कुछ मतलब इतना छोटा भी होगा तो उसका उसको समझ में आएगा मतलब दुख तकलीफ और क्या होती है। तो यही बात मैं आप लोग से साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अभी घर में काम किया है सारे काम करके, और मैंने घर में बहुत अच्छे से पठाठ होकर दवाल में और वहाँ पर फूल रखते हैं ना सजाकर, वो मैंने गुलदस्ता फूल मैंने बनाया था एक सराय का, वो मैंने रख दिया है तो अच्छा लग रहा है मेरा घर। और मैं चाहती हूँ अभी तो बारिश का मौसम है तो घर में कुछ दीवार में पेपर वगैरह ये सब चिपकाएंगे तो पानी आता है झटका मारता है तो फूल जाता है, तो इसी वजह से मैं अभी नहीं दीवार में कुछ चिपकाएंगे पत्रिका, बाद में दीपावली आएंगे तो मेरा मन तो बहुत कुछ है लेकिन अभी जो घर है उसी में मुझे रहना है, तो उसको मैंने सोचती हूँ मैं अपनी तरफ से अच्छा बनाऊँगी मतलब देखने में अच्छा लगेगा। प्लास्टर तो नहीं हुआ है तभी मैं चाहती हूँ पत्रिका वगैरह ये सब साट कर और कुछ कुछ लगाएंगे दीवार में फोटो वोटू तो अच्छा लगेगा। तो मैं वहाँ पर बैठकर वीडियो भी बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे, तो मेरा मन ऐसा है। तो अभी तो नहीं मैं दीवार पर पत्रिका साटूंगी, कुछ दिन के बाद साटूंगी जब दीपावली का टाइम आएगा तब, अभी ऐसा ही रहेंगे। और मेरा तबीयत भी थोड़ा थोड़ा ठीक होंगे ऑपरेशन जो हुआ है, तो मैं ठीक हो जाएंगी पूरा। तो मैं आप लोग के लिए मैं डांस, मुझे डांस भी आता है तो मैं डांस भी करूंगी, लेकिन क्या हो जाता है फ्रेंड्स मतलब गाने पे डांस करती हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसी वजह से मैं डांस वीडियो, मुझे बहुत पसंद है डांस और मुझे आता भी है, तो मैं गाना जो वीडियो बनाती हूँ तो वो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसी वजह से गाना वाली वीडियो नहीं बनाती हूँ। दोस्तों तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मुझे गाना भी सुनना बहुत अच्छा लगता है और डांस भी आता है, तो इसी प्रॉब्लम से मैं नहीं कर पाती हूँ अपने ब्लॉग्स में नहीं डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम का आना मतलब ज़्यादा संभव होता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे मालूम नहीं है गाना कहाँ से नो कॉपीराइट लोड करता है, और मैंने देखती हूँ बहुत सारे लड़की म्यूजिक वाले पर वीडियो बनाते हैं डांस, तो उसको अच्छा खासा चल रहा था, तो इसी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बैठ कर बना
बना लेती हूँ और आप लोग के साथ कुछ कुछ बोल देती हूँ। तो अभी देखो मेरा लोकेशन, मैं कहाँ पर हूँ देखो, अभी यहाँ पर मैं ऐसे बैठा हूँ। और देखो मेरे बाड़ी में क्या लत्ती, देखो ये है कदीमा का लत्ती है, बहुत ज़्यादा फरता है जब समय इसका आता है। तो देखो अभी वो भी बड़ा हो गया। और ये देखो ये पान है और ये नींबू है। अभी तो शाम नहीं हुआ है, मतलब पौने छ हो रहा है, पौने छ मतलब टाइम होता है अभी। तो मैं यहाँ मतलब ज़्यादा तक तो नहीं बैठती हूँ, जब भी आती हूँ तो आप लोग के साथ कुछ न कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। दोस्तों मैं आप लोग सबके लिए एक गाना गाऊंगी, आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं गाती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमेशा लोग जाते आते रहते हैं तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं चाहती हूँ कहीं फ्री जगह में गाऊंगी। तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा सुनाती हूँ गाने, मैं कौन से गाने गाऊंगी। मुझे एक गाना है जो बहुत अच्छे से आता है, पूरा आता है, मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाऊँगी। लेकिन क्या हो जाता, मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं चाहती हूँ अकेले में अच्छे से गाऊँगी। मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, ज़ोर से बोलना पड़ेगा तभी मेरा आवाज़ जाएंगे आप लोग के कान में, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो मैं आप शुरू करती हूँ। अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बाहों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बाहों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना हो, अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऐसा ही अच्छे से तो मैं नहीं गाया, मतलब कभी दिन मैं गाऊंगी अच्छे से, मतलब सुर मिलाकर। तो आप लोग बोलना कमेंट में कैसा लगा, मैं ऐसे ही अभी गा दिए, अच्छे से तो नहीं गाए, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आवाज़ मेरा जा रहा है कि आप लोग के पास नहीं जा रहे, मैं कान में ब्लूटूथ लगाकर उसमें जो बोलता है मैं तब गाऊंगी, तो पूरा आवाज़ मतलब फ्रेश आएंगे। अभी तो यहाँ पर मतलब यहाँ वहाँ से आवाज़ आ रहा है, गाड़ी घोड़ा ये सब, तो इसी वजह से जोर से मैं बोलती भी हूँ तो गाड़ी।
गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा चलाती है, तो दूसरे दिन मैं ये गाना गाऊंगी। और एक गाना और है वो भी मैं गाऊंगी, तो आप लोग सुनना। तब तक के लिए मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वॉच टाइम प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। वॉच टाइम मेरा नहीं हुआ है, तो मैं इतनी सारी लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग मेरे जितने फैमिली मेंबर हो, सब्सक्राइबर हो, और मेरे तो फैमिली मेंबर जैसे हो, आप लोग के हाथ में है जो करूँगे वो होंगे। तो आप लोग जितना मेरे वीडियो देखेंगे मेरे वॉच टाइम हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वॉच टाइम पूरा दो। मैं आप लोग को 1 किलो मिठाई खिलाऊंगी जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, जिस दिन, तो मैं आप लोग के लिए 1 किलो मिठाई लेकर आऊँगी। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को ज़रूर खिलाऊँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ, इतना दिन हो गया मेरा वॉच टाइम लेकिन नहीं हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइब तो हो गया है, 3000 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरा वॉच टाइम क्लियर नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा वॉच टाइम पूरा दो। तो मैं आप लोग को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा तो काम ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल नहीं परसों, मतलब वॉच टाइम तो पूर जाएगा, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएंगे, तो मैं बहुत खुश होंगे। मेरा घर में भी लोग को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, तो इस बात की खुशी मुझे कितने दिन से सता रहे हैं कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मुझे तो एक सपना लग गया है यूट्यूब पर मोनेटाइज होगा जिस दिन, तो मैं मतलब खुशी से मुझे अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी तो हुआ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ हो, मैं भी आप लोग को भाई बहन मानती हूँ, माता पिता जो भी हो, और मैं आप लोग को अगर भाई हो तो मैं आप लोग को बहन भी हूँ, तो आप लोग मैं मुझे साथ देंगे मैं चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग से, रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और मेरे चैनल का नाम है निशा आयुष ब्लॉग्स, ये है, तो मेरा नाम रियल है मनीषा, मैं उसमें मतलब दूसरा नाम दिया है, निशा दिया है, और मेरा नाम रियल है मनीषा कुमारी, शादी हो गई लेकिन कुमारी मैं लिखाती हूँ, मेरा आधार कार्ड में भी मतलब यही है। और फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, यहाँ पर मैं नहीं दिया हूँ, कुछ दिन के बाद मैंने मतलब चेक देंगी, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अभी नहीं दिया है लेकिन बाद में दूंगी मैं, जब मेरा वॉच टाइम क्लियर होगा तब ये सब मैं करूँगी, तब तक आप लोग मेरे वॉच टाइम पूरा देना। और बताइए फ्रेंड्स, देखो मैं पसीना पसीना हो गई, गर्मी इतना ज़्यादा है। देखो दोस्तों मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो यहाँ पर मैं आया हूँ टहलने के लिए बाड़ी में, रोज़ मैं यहाँ पर आती हूँ, तो कभी कभी मुझे आप लोग के साथ बातें शेयर करना चाहे मन होता है, तो मैं आप लोग के साथ बातें भी शेयर करती हूँ, आप लोग तो जानते होंगे मैं यहाँ पर आती हूँ तभी आप लोग के साथ बातें शेयर करती हूँ। तो अभी ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, थोड़ा हवा मतलब अब जारी है, तो अभी अच्छा लग रहा है, शाम मतलब होने वाला है, अभी टाइम हो रहा है 6 मतलब बज रहा होंगे, तो मैं अपनी लुक दिखाती हूँ सामने। Thank you.
गाइस मैंने आप लोग को फाइनल लुक दिखा दिए, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आप लोग बताना तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरा ये नया कुर्ता कैसा लगा आप लोग को। यहाँ पर मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा मतलब गांव का लोग यहाँ वहाँ टहलता है, जाते हैं, इसी वजह से मैं माथा पे पल्लू लेना पड़ता है। दोस्तों आज मेरे घर में क्या सब बना है खाने का सामान, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। आज मेरे घर में सुबह में बनी थी, मतलब पहले चावल बना था कुकर में और भुजिया बना था सुबह में, फिर क्या बना रोटी बना, और तो फिर चावल बनी और दाल बनी राहर का और आलू सोयाबीन का सब्जी बनी। घर में आलू सोयाबीन का सब्जी मतलब सभी लोग का पसंद है, मुझे भी पसंद है, मतलब सभी लोग खाते हैं आलू सोयाबीन का सब्जी। और चटनी भी बना था, भिंडी प्याज ये सब का बना था, तो भिंडी प्याज मैं तो नहीं खाती हूँ भिंडी का, मैं भुजिया रोटी खाए सुबह में और दूध खाए, दो पीस रोटी खाए, और फिर मैं दोपहर में खाई रोटी आलू सोयाबीन का सब्जी और थोड़ा चावल खाए, और दूध जो था वो ख़राब हो गए थे, अचानक गर्मी था इसी वजह से जम गए थे, तो दूध मैंने नहीं खाए, अच्छा नहीं लग रहा था तो वो फेंक दिए। और आलू सोयाबीन सब्जी आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा तो सभी लोग को लगता है, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी और मतलब ऑमलेट जैसा लगता है, उसको जितना अच्छे से बनाऊंगी उतना अच्छा होता है। तो मुझे तो सब्जी बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और जो अच्छा सब्जी खाने में लगता है तो मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी से और बहुत अच्छे से मन से बनाती हूँ, बिगाड़ती नहीं, मतलब इतना नून डाल दो, तेल ज़्यादा डाल दो, मिर्चा डाल दो, बुकनी डाल दो, ये सब मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ये सब सब्जी बनाने में अच्छा लगता है और मैं अपने मन से दिल से बनाती हूँ, तो लोगों का खाने में भी अच्छा लगता है, वो भी उंगली चाटते रहते हैं मैं भी बनाती सब्जी। तो आज मैं फाइनल मैंने सब्जी नहीं बनाए थे, मेरे घर में जो मेरी माँ है सास माँ वही बनाए, आज मैंने नहीं कुछ किया, मेरा तबीयत खराब था सुबह में, दो दिन से सर्दी लग गया और खांसी भी थोड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से मेरा पैर भी दुख रहा था, तो मैंने नहीं बनाया आज कुछ, तो वही लोग बनाए खाने का सारा प्रबंध। तो अभी शाम होने वाली है, तो अब रात में बनेगा क्या बनेगा नहीं बनेगा, घर में परवल है और ओल है, क्या सब लेकर आया है, गहरा लेकर आया है, तो अब ये बनेगा मेरे लिए, तो दूसरा मतलब सब्जी बनेगा, मैं तो ये सब नहीं खाऊंगी, ओल जो लगता है आप लोग भी मतलब खाते होंगे देसी ओल, तो मुझे तो ओल बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस साल नहीं खाऊंगी, दूसरी साल खाऊंगी, और उसका सब्जी भी बनाने में बहुत मज़ा आते हैं, बहुत अच्छा लगता है बनाने में, तो वही बनेगा, मुझे मालूम नहीं है जो बनेगा वो बनेगा। तो आप लोग शाम में क्या करेंगे खाने का व्यवस्था, मैं तो आप लोग के बता दिए मेरे घर में क्या होंगे, तो अभी तो शाम नहीं हुआ है, तो अभी दिया बाती भी नहीं हुआ है, लेकिन टाइम हो रहा है दिया बाती भी देने का, लेकिन मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब, आज ठीक होती हूँ तो दो दिन मतलब तबीयत खराब रहते हैं, भगवान पे से मुझे भरोसा भी उठ गया है, तो मैं दिया बाती भी नहीं करती हूँ।
आप लोग बताइए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं। थोड़ा रखती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मैं जिंदगी में जो भी मतलब भगवान से मांगा मुझे कुछ पूरा नहीं हुआ, तो इसी वजह से मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती। मैं आप लोग पर विश्वास करती हूँ। आप लोग अगर चाहे तो कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब पर मेरा वॉच टाइम पुरा सकते हैं, तो इसी वजह से मैं आप लोग को यह सब बता रही हूँ। आपको जरूर मेरे सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और कुछ बन सकती हूँ, एटम बम फटने। मजाक कर रही हूँ आप लोग के साथ, ये सब मुझे नहीं बनना है, एटम बम ये बम वो बम। आप लोग तो जानते होंगे पाकिस्तान से सीमा हैदर आया है भारत में, सचिन भाई जो है सचिन भैया लगेंगे, और सीमा हैदर जो है सभी लोग भाभी बोल रहे हैं, हम भी उसको भाभी ही बोलेंगे। मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है ये जासूस है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ये जासूस है। लेकिन तभी मैं चाहती हूँ मतलब सरकार का जो काम है मतलब पूरा उसको जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन अभी तक कुछ जांच भी किए तो मतलब कोई सबूत उसके बारे में नहीं मतलब सरकार को जानकारी हुआ, मतलब ये जासूस है अभी तक सीध नहीं कर पाए। लेकिन अभी मुझे विश्वास है आगे भी नहीं होंगे ऐसे, तो आप लोग ये सब जानते होंगे। जासूस पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में, उसको ऐसा अच्छा लगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसको मतलब उसका हस्बैंड जो था वो बहुत मारता पीटता था, मतलब मानसिक टेंशन तलाब ये वो मतलब देता था, और वहाँ कराची में रहता था वो, उसको वहाँ पर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा है वो बोलता है मैं पबजी खेल कर मतलब सचिन से प्यार हो गया, तब तो मैं यहाँ से नेपाल के रास्ते से मैं नेपाल से चला आया। पाकिस्तान से आना तो ना मुश्किल था, लेकिन मैं प्यार के अपने प्यार के लिए आया हूँ। अभी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर उसके ही चर्चा हो रहा है, तो आप लोग को कैसा लगा सीमा हैदर? मैं उम्मीद करती हूँ, और वो तो डांस भी वो तो अच्छा करता है, लग नहीं रहा है, लग रहा है आज के ज़माने में मतलब हीरोइन ही बन जाए, लेकिन बन जाएगा जिस तरह से वो बोलती है मतलब दिखाती है लोग का, और डांस वगैरह ये वो, तो हमें तो पसंद है ऐसे लोग, हमें नहीं लग रहा है मतलब ये जासूस हो सकता है। अभी तक कोई जांच में ऐसे बात नहीं ठहरा है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और जो सरकार का काम है वो उसे करने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये देश का मामला है, और कुछ नहीं मैं बोलूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइए आप लोग का क्या राय है सीमा हैदर के बारे में, वो अच्छा है कि नहीं, मतलब जासूस है या नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो मैं अपने बारे में तो बोल दिया, मतलब हो भी सकता है तो सरकार का काम तो बेचारी है, तो मैं चाहती हूँ ऐसा मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है ये जासूस हो सकता है, तो इसी वजह से मैं आप लोग को ये बोली हूँ, तो आप लोग बताना वो है कि नहीं। और उसके साथ 4 बच्चे भी है, तो सचिन भाई ने बोला मैं इसको भी साथ रखूंगी, उन्हें उसको सारे बच्चे के साथ रखने का मतलब जुबान दी है, और अभी उसके साथ ही रह रहा है। कुछ लोग बोलते हैं इसको पाकिस्तान भेज दो, ये जासूस है,
और वो बोलता है पाकिस्तान में जाऊंगी तो मुझे वहाँ पर मार देंगे, इसी वजह से अगर मुझे अगर जेल में रखना है तो जेल में रखो, मैं नहीं जाऊंगी पाकिस्तान, वहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मेरा अबू जान था वो भी मर गया, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी और मेरा नागरिक दे दो। ये मतलब गुहार लगा रहा है पब्लिक से और सरकार से, तो मैं चाहती हूँ उसको भी मतलब नागरिक दे दीजिए। 4 बच्चे हैं, अभी खाने का मतलब बहुत उसको घर में समस्या है, और मीडिया वालों तो दिन रात वहाँ पर भीड़ लगाता है, बहुत सारे सवाल करता है, तो मतलब कोई भी है 4 बच्चे मासूम है तो उसको भी मतलब थोड़ा देखो मीडिया वाले भाई बहन, थोड़ा हेल्प करो। मैं यही चाहती हूँ, जासूस होगा तो उसका काम तो जारी है, अगर निकलेगा तो जेल में डालेंगे, जो सरकार का काम है वो करेंगे, तो आप लोग कुछ हेल्प कर दीजिए उसको, अभी तो बच्चा है उसका छोटा छोटा, और सचिन भाई जो है वो कमाता भी नहीं है ज़्यादा, 13,000-14,000 कमाते हैं, अभी वो भी ठप है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सपोर्ट कीजिए उसको भी। तो मेरे बात आप लोग को कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, आप लोग नहीं बताते हो, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगता है कि नहीं, तो मैं फिर मिलती हूँ अभी घर में, आप मैं जाती हूँ, लाइट आया है तो मैं अपने घर का कुछ नक्शा दिखाती हूँ, मेरे घर में कैसा लग रहा है, मेरा रूम फाइनली मैंने तैयार किया है, तो चलो मेरे साथ अब मेरे घर में, वहीं पर बताऊंगी दिखाऊंगी। दोस्तों अभी मैं घर में हूँ और मैं अपने घर का लोकेशन दिखाती हूँ और सामान दिखाती हूँ, मेरे घर में नया सामान एकदम सा हासिल हुआ है, और यहाँ पर कौन कौन है और क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे द्वार पर जो पेड़ था बड़ का थानतर में, वो देखो किस तरह से गिरा है, कोई तो वहाँ पर नहीं था, नहीं तो चपा जाएंगे क्या होता। आइस तो मतलब पारी में गया था भागकर, हमें तो डर लग गया, आइस नहीं चपा गया, तो ये पेड़ देखो कितने मोटा है और अपने आप टूट के झर गिर रहा है, तो मैं सोचा आप लोग को तो क्यों अपने घर का फाइनली लोकेशन दिखाती हूँ। देखो ये दीवार में ये आयुष का बैग है और झोला है, और ये देखो विंडो है, अच्छा पर्दा नहीं लगा है लेकिन लगाऊंगी बाद में, और यहाँ पर इस साइड पत्रिका और फोटो चिपकाया है मैंने, और आयुष का बर्थडे वाले हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर देखो पर्दा लगा है और बाहर से भी बोरा का झालर लगा है, और ये ऐना है, और ये मेरे सारे कपड़े हैं, ये अलमा है मेरा, और तो यहाँ पर मेरा कपड़ा सारे रहता है, और गंदा हो जाता है तो इसे मैं ढक देती हूँ इस सब से, तो अभी नहीं ढका हूँ, अभी मतलब उघाड़ दिया है, और ऊपर में देखो मैंने क्या सेट किया है, देखो यहाँ पर ये आज मैंने सेट किया है पटाहा, और इस पर मैं गुलदस्ता रखूँगी फूल का, और बाकी है यहाँ पर भी रखूँगी, और यहाँ पर देखो टेबल पे टीवी है, और ये मेरा गोदरेज है, और ये देखो ये इसको अभी नाश्ता हो गया है, रोटी आलू सोयाबीन का सब्जी खा कर जा रहा है बाहर, देखो 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 कैसे दिन भर उधार रहते हैं, आलू सोयाबीन का सब्जी थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दिया है, मैं भी अभी खाऊंगी, और ये देखो रोटी है, तो इसमें पानी है, और मेरा बेड फ्रेश हो गया, मैं इसको झाड़ कर मतलब तैयारी कर लिया बेड को, तो ये काम तो फाइनल हो गया, और मैं देखो नीचे में क्या लगाया है, पलंग बेस लगाया हूँ मैं, देखो ये पलंग में लगाया हूँ, आज मेरे घर में मतलब इतना सामान चेंज हुआ है, अच्छा हुआ है, तो ये सब मैंने किया है, सारा काम हो गया, अच्छा है कि नहीं, और ये मेरा लुक देखो घर का पूरा आप दिखाती हूँ, देखो यहाँ से देखो और ये कपड़ा है नीचे में, और ऊपर देखो फूल है, और यहाँ से देखो ये बेड है,
चल रहा है और यहाँ पर लाइट है, यहाँ भी मोटरसाइकिल है और ये बाहर का जाने बाहर जाने वाले हैं लोग का। और ये पर्दा लगा है गोदरेज का और ये मेरा गोदरेज देखो। और ये देखो नीचे का सामान और ये देखो ये टीवी। तो मैं यहाँ पर आज कल वीडियो बनाऊँगी। आप दोस्तों मेरे घर का लोकेशन कैसा लगा आप लोग का, दूसरे दिन से क्या क्या चीज हुआ है मैं आप लोगों को दिखा दिए पूरा घर का। तो मेरा घर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, इसमें कितने सारे तरुआ है। ये आलू का है और ये भिंडी का और ये फोफी है और ये देखो आइस के लिए और उसमें कुकर में दाल। मेरा लुक कैसा लग रहा है और मेरा आँख देखो ठीक हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब दुख रहा है तब भी ठीक है। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ तो आप लोग बताना। मैं आज अच्छा फील कर रही हूँ। तो और मेरे साथ जुड़े हैं दो बाबू, एक मेरा बाबू है खुद का बेटा और ये उसका पड़ोसी में है वो भी है। देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे बच्चों? खा रहे हम बिस्कुट खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? देखो इसको बाल कितना बड़ा हो गया, इसको मुंडन होगा तभी इसको बाल कटाया जाएगा। और आयुष बिस्कुट खा रहे हो? कौन से बिस्कुट खा रहे हो? क्रीम वाले। ओ आयुष तो अभी खा रहे क्रीम वाले। जानित को दीजिए, जानित जानित को एक दीजिए, जानित को थोड़ा तोड़ कर भाई है ना दे दीजिए। तो देखो हाँ बिस्कुट तुम लोग मिल बांट कर खाना अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही खाना, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और बहुत परेशान करते हैं इसके बिना। आयुष बहुत आराम से आज मेरे घर में कुछ अच्छा चीज़ें खाने में बनने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्या कट रही हूँ। तो मैंने अभी घेरा का सब्जी को कट कर रही हूँ। देखो मैं कैसे काटती हूँ इसको, पूरे घेरा सब्जी को छोल दिया है, इसमें से छिलका निकाल दिए। अब ऐसे गोल गोल करके काटूंगी। तो और मैं थोड़ा काट दिए थे और काट रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सभी काम हो गया। आज मेरे घर में अच्छे अच्छे चीज खाने का सामान बनेगा, मेरा मन हो गया और घर का लोग का भी खाने का मन हुआ, तो इस वजह से मैं काट रही हूँ। तो फाइनली काट
तो ये देखो फ्रेंड्स, कट कर रेडी तैयार हो गया है घेरा आलू का सब्जी। और देखो गोल गोल आलू और छिलका इधर देखो। तो मैंने इस प्लेट में, इसके प्लेट में रखा है सब्जी। ये है सुबह में मैंने काटे थे खाने के लिए। और देखो दोस्तों मेरे घर में आज खाने का सामान देखो कितने सारे बना है और क्या क्या बना है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखो ये देखो प्याज का कचरी है, अभी बन रही है, थोड़ा बाकी है इसमें कर लगाने के लिए। और देखो ये भी बाकी है थोड़ा और होगा। और देखो इसमें कितने सारे तरुआ है, ये आलू का है और ये भिंडी का और ये फोफी है। और ये देखो आयुष के लिए, और उसमें कुकर में दाल उमर रहा है अभी। तो फाइनली अब हो गया, देखो अच्छा है कि नहीं। और ये देखो आलू का है और प्याज का कचरी नहीं हुआ था तो अभी पक रहे हैं। देखो अभी मैं छान रही हूँ और आप लोग पहले खाओ तब मैं खाती हूँ, मैं आप लोग को देती हूँ, आप लोग मुंह खोलो और खा लो। देखो मेरे घर में मैंने इतने सारे तरुआ बनाए हैं, प्याज का है, ये भिंडी आलू फोटी ये सब मैंने छान है। तो आप लोग को ये सब पसंद है कि नहीं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो मेरा चैनल यूट्यूब निशा आयुष ब्लॉग्स है और मेरा सब्सक्राइब 3000 से ऊपर हो गया है। तो इसी खुशी में मैं ये बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर खाना और बताना। तो मैं अब खा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ खाइए और इंजॉय करो। और मेरे तरुआ कैसा लगे, घर का खाने है गांव का, तो आप लोग को क्या पसंद है कि नहीं तो आप लोग बताना। दोस्तों अभी तो शाम हो गया ज़्यादा देखो, और मौसम भी थोड़ा अच्छा है दूसरे दिन से, मतलब बहुत अच्छा है, हवा चल रहा है और बादल भी मतलब लगा है, मेघ बहुत ज़्यादा लगा है ना, अच्छा फील कर रही हूँ घूमने में भी। और दो दिन से मतलब समय अच्छा है, कल बारिश भी हुआ था सारा रात में, तो थोड़ा बारिश हुआ है, मतलब एक अछार दो अछार आया था थोड़ा थोड़ा, मतलब यहाँ पर बाड़ी में मिट्टी जो है वो गीला नहीं हुआ है, तो बालू और जो उड़ता था रोड सड़क पर तो वो अभी नहीं उड़ रहा है, मतलब ऐसा मतलब बारिश हुआ है। लेकिन बारिश होना ज़्यादा ज़रूरी है, खेत में पानी नहीं है, धान भी सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो इसी वजह से जो रोपा है ना वो किसान को मतलब लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब अगर नहीं होगा धान तो क्या खाएंगे हम लोग सब, तो भगवान को बोलती हूँ पानी पड़ो। और देखो मेघ भी लगा है ना, देखो आप लोग देखो आसमान में कहीं कहीं पर मेघ लगा है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, काम हो गया तो मैंने सोचा, और मेरा आँख देखो अच्छा हो गया, पहले से अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग देखते हो लाइक कर देना, और मुझे यही उम्मीद है मेरा वॉच टाइम नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, हेल्प करो, तो मेरा वॉच टाइम हो जाएगा पूर जाएगा, तो मेरा भी चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। अभी वॉच टाइम बाकी है, अभी हुआ नहीं है, बहुत कम है, तो इसी वजह से मेरा सब्सक्राइब तो बढ़ गया है। तो कोई प्रॉब्लम था तो मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, आप लोग वीडियो मेरे देखे तभी मेरा चैनल ग्रो करेंगे। तो मेरे मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स तो अभी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी ठंडा ठंडा हवा चल रही है, बहुत मस्त समय है, तो अच्छा लग रहा है। और देखो पसीना भी नहीं आ रहा है, दूसरे दिन तो बहुत पसीना आते थे, आज नहीं आ रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर ज़्यादा काम हो गया तो इसी वजह से मतलब अच्छा नहीं देख पा रही हूँ आप लोग। अंधेरा होने वाला है तभी मैं यहाँ पर घूम फिर रही हूँ। और आयुष भी मेरे साथ है और उसका खेलने वाला पार्टनर भी है, देखो ये भी है। क्या करें, ये सब हमेशा बजाते रहते हैं, काम लगाते रहते हैं दिन भर, ऐसा बच्चा बदमाश होता है। अरे बाप रे, दिन भर परेशानी करते हैं। तो आयुष चलो अब अंगना में चलो, चलो चलो अब शाम हो गया, चलो क्या है। आयुष देखो, यहाँ पर आयु देखो, आयुष आयुष के लिए फूल मैंने रोपा है, देखो कांट वाले फूल, इसमें होगा तब आयुष खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। अभी नहीं हुआ है दोस्तों, देखो इसमें कांट वाले होता है। चल दहा उठबै छै या भकुन भुका।